मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? मेरा निज स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ हैं? कैसा स्वरूप है उनका? और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है? तारतम ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है। लहराते हुए महासागर की अथाह जलराशि में जिस प्रकार असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार महामाया से असंख्य लोग पल पल में प्रकट होते हैं और उसी की गोद में समाप्त हो जाते हैं। और इसी महाशून्य में प्रकट होता है आदि नारायण का स्वरूप, जो अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक मन होता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालक यही है। इसी की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। संसार के अधिकांश मनुष्यों का प्रायः यही आराध्य देव है। और इससे परे ये योग माया का अखंड मंडल है, जहां अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड एवं चैतन्य प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। ये अद्वैत भूमिका है। यहाँ के कण कण में चैतन्यता, अखंडता एवं ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं। ये वेदों में चतुष्पाद विभूति के रूप में वर्णित हैं। भगवान शिव, महाविष्णु, संकादिक, शुकदेव आदि की ध्यान क्रीड़ा का यही स्थान है। किंतु इस योग माया मंडल से परे वो स्वलीला अद्वैत अनादि अनंत परम धाम है। हे चिंतामणि जी, कबीर जी के ज्ञान को जहां तक मैं समझ पाया हूं, अब उसका आपसे वर्णन करता हूं। मेरी दृष्टि में कबीर जी अक्षर ब्रह्म की वासना है। कहां उनका आध्यात्मिक स्तर और कहां कमाल जी। देखिए, कबीर जी ने हद बेहद से भी परे परमधाम में होने वाली लीला का कितना मनोरम वर्णन किया है। एक पलक से गंग जो निकसी, हो गयो चहूं दिस पानी, उही पानी दो पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी, उड़मक्खी तरवर पर बैठी, बोलत अमृत वाणी, उस मक्खी को मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी, तीन गर्भे गुण तीनों जाए, वो तो पुरुष अकेला। कहे कबीर या पद को बूझे, वो सदगुरु मैं चेला। अर्थात सच्चिदानंद पर ब्रह्म ने अपने हृदय में ये संकल्प लिया कि अक्षर ब्रह्म तथा आनंद अंग सहित आत्माओं को अपनी पूर्ण पहचान देनी है। उनकी ये इच्छा रूपी गंगा एक पलक झपकने मात्र समय में संपूर्ण परमधाम में फैल गई। उस इच्छा रूपी गंगा के जल में सतअंग अक्षर ब्रह्म तथा आनंद अंग सखियां सागर की लहरों के समान पूर्णतया डूब गईं। पर ब्रह्म की आदेश शक्ति ने संसार रूपी वृक्ष में अर्थात संसार के सभी धर्म ग्रंथों में इसकी साक्षियां लिखवा दी। और उसी के आदेश से इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। वह आदेश शक्ति माया ही है,
जिससे इस नश्वर जगत की उत्पत्ति हुई है। इस माया को ऐसी नार कहा गया है जिसका ना कोई आकार है ना ही कोई पति, फिर भी उससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है। कबीर जी कहते हैं, इसके रहस्य को जानने वाला तो मेरा भी सद्गुरु होगा। खोज थके सब खेल खसमरी, खोज थके सब खेल, खोज थके सब खेल खसमरी, खोज थके सब खेल। मन ही में मन उर जाना, मन ही में मन उर जाना, होत न कहूं गम सखीरी, खोज थके सब खेल, ओ खोज थके सब खेल खसमरी, खोज थके सब खेल। आचार्यवर, आचार्यवर, अरे वे ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु कहाँ हैं? वो तो चले गए गुरुदेव। अरे उन्हें जाने क्यों दिया? वे तो पर ब्रह्म स्वरूप सदगुरु हैं। मेरे गुरुजी ने काशी में कहा था कि इस साखी के रहस्य को केवल पर ब्रह्म स्वरूप सदगुरु ही खोलेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि वे तुम्हें भविष्य में अवश्य मिलेंगे। आज उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई है, अब उन्हें खोजना होगा। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी के जाने के बाद चिंतामणि जी उनकी खोज करते रहे। काफी खोजने के बाद उन्हें पता चला कि वे नाथा जोशी के घर ठहरे हैं। तब वे अपने शिष्यों सहित नाथा जोशी के घर पहुंच गए। प्रणाम। ये सारा क्षर जगत हद का ब्रह्मांड कहलाता है। प्रणाम प्राणनाथ जी। प्रणाम चिंतामणि जी। मैं अब जान गया हूं कि आप कौन हैं। मुझ पर कृपा कर अपने ज्ञान से मेरा और मेरे इन सब शिष्यों का कल्याण कीजिए। आइए चिंतामणि जी, यहां मेरे साथ बैठिए। नहीं प्राणनाथ जी, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपके साथ बैठ सकूं।
मेरे लिए यहीं नीचे आसन लगवा दीजिए। वैसे भी ज्ञान ग्रहण करने का स्थान गुरु के चरणों में होता है, उनके साथ में नहीं। नाथा भाई, श्रद्धेय चिंतामणि जी के लिए आसन की व्यवस्था करो। ये सारा शर जगत हद का ब्रह्मांड कहलाता है, इससे परे बेहद मंडल है जहां अक्षर ब्रह्म की चतुष्पाद विभूति है, जिनके द्वारा क्षर जगत की उत्पत्ति और लय का कार्य संचालित होता है। इससे भी परे अक्षरातीत परब्रह्म का दिव्य परम धाम है, जहां का कण कण सच्चिदानंदमयी है, जहां केवल प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। वास्तव में आध्यात्म का विषय बहुत गहन होता है। वास्तविक सत्य की प्राप्ति के लिए लौकिक प्रतिष्ठा एवं शिष्यों का अभिमान छोड़ना आवश्यक होता है। परमार्थ को न जानने वाला जो स्वार्थवश गुरु वृत्ति धारण करता है, वो तो नरकगामी होता है, क्योंकि वो स्वयं तो पाप का भागी बनता ही है। साथ ही समाज को भी अधो गति में पहुंचा देता है। इसी संदेश में आपका एवं इस जगत का कल्याण है। प्रणाम। प्रणाम। हे प्राणनाथ जी, मैं तो आपकी शरण में आ ही चुका हूं। मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है कि आप एकांत में मेरी भले ही कितनी खंडनी क्यों न करें, किंतु मेरे शिष्यों के सामने मेरी गरिमा का ध्यान अवश्य रखें। चिंतामणि जी, मेरा उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं है। यदि मैं खंडनी के कुछ वचन भी कहूंगा तो आपकी मर्यादा को ध्यान में रखकर ही कहूंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मुझे क्षमा कीजिए प्राणनाथ जी। प्रणाम। प्रणाम। आ, 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 आ,
उस रात जब श्री जी ध्यान में बैठे थे तो अक्षरातीत श्री राज जी के आवेश द्वारा उनके श्रीमुख से चिंतामणि जैसे सभी ज्ञानी जनों और गुरुजनों के प्रति वाणी अवतरित हुई। सुनो रे सत्य के पंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत्य के बंजारे। या फंदबाजी रची माया की, कामे सब कोई रहा उरझाई, कामे सब कोई रहा उरझाई, सुनो रे सत्य के बंजारे। पदवी पाई तब ज्ञान की पदवी पाई, लोक लाज मर ज्यादा छोड़ी, ज्ञान की पदवी पाई तब ज्ञान की पदवी पाई, एक आग जो छोटी बुझाई तो दूजी मोटी लगाई, दूजी मोटी लगाई, सुनो रे सत्य के बंजारे। करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई, इष्ट चलाओ बढ़ाई, कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई, इष्ट चलाओ बढ़ाई, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, पर अलख ना देवे लखाई, अलख ना देवे लखाई, सुनो रे सत्य के पंजारे। छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, एही खाड़ बड़ी भाई, एही खाड़ बड़ी भाई, एक डारी त्यों दूजी भी डारो, एक डारी त्यों दूजी भी डारो, जलाए देओ चतुराई, जलाए देओ चतुराई, सुनो रे सत्य के बन
झारे। महामत गए गुरु सोई की जय, श्री महामत कहे गुरु सोई की जय, जो अलख की देवे लख, जो अलख की देवे लख, न उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सनमुख, पिया प्रेम करे सनमुख। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। सत्य की राह पर चलने की आकांक्षा रखने वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। माया के फंदे में सभी प्राणी इस प्रकार फंसे हुए हैं कि चाह कर भी इससे निकल नहीं पाते। मात्र गृह त्याग कर महंत बनने से ही अध्यात्म के चरम लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता। ज्ञान के अभिमान को छोड़कर परमधाम के ज्ञान की वर्षा करने वाले, सद्गुरु की शरण में स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। हे प्राणनाथ जी, आपकी ज्ञानमयी लाठी ने मेरा ज्ञान रूपी दानव को मार डाला है। अब मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करता हूं। शाबाश चिंतामणि जी, आपने अपनी मैखुदी तथा झूठी प्रतिष्ठा के बंधन को तोड़ डाला है। ये ब्रह्म सृष्टि के सिवाय अन्य किसी के लिए संभव नहीं है। हे प्राणनाथ जी, अब आप कृपा कर हमें तारतम ज्ञान का अमृत रस प्रदान कीजिए। अवश्य चिंतामणि जी, किंतु आप सबको इन चार नियमों का पालन करना होगा। प्रथम, मांसाहार का त्याग। दूसरा, मदिरापान का त्याग। तीसरा, पराई स्त्रियों से अनुचित संबंधों से परहेज। अंतिम, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना। यदि आप सबने इन बातों का ध्यान रख लिया तो समझो आपकी आत्मा जागृत होकर परब्रह्म अक्षरातीत का सुख पा लेगी। प्रणाम। इस प्रकार चिंतामणि जी एवं उनके शिष्यों ने तारतम ज्ञान ग्रहण कर लिया और प्राणनाथ जी की शरण में आ गए। ये खबर शहर में आग की चिंगारी की तरह फैल गई। प्रतिदिन सैकड़ों लोग प्राणनाथ जी के दर्शन करने और चर्चा श्रवण करने आने लगे। उस समय मैं ठट्ठा नगर का एक
बहुत बड़ा व्यापारी था, साथ ही भागवत की कथा भी करता था। चतुर्दास नाम के एक ब्राह्मण जो कि प्राणनाथ जी की ज्ञान चर्चा में भी जाते थे और मेरी कथा में भी आते थे, वे हमारे मिलन के सूत्रधार बने। एक दिन जब वो मेरी कथा में आए, प्रणाम। श्री कृष्ण जी की ब्रज एवं रास की वे प्रेममयी लीलाएं आज भी अखंड रूप से चल रही हैं। वे गोपियां धन्य हैं, वो ब्रज की धरती धन्य है, वो वृंदावन धन्य है जहां गोपियों के चरण पड़े हैं, जहां श्री कृष्ण जी ने प्रेममय लीलाएं की हैं। उनके चिंतन, स्मरण, दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय की मलिनता दूर हो जाती है। बोलो बाके बिहारी की जय, बोलो बाके बिहारी की जय, बोलो बाके बिहारी की जय। प्रणाम। हे लक्ष्मण सेठ, कृपा कर ये बताइए कि आप अभी कथा में जो वर्णन कर रहे थे वह अखंड ब्रज और रासलीला कहाँ हो रही है? वो लीला इसी ब्रह्मांड के गोकुल वृंदावन में निरंतर हो रही है, किंतु उस लीला को देखने के लिए जिस दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है वो तो मेरे पास भी नहीं है। इसी कारण हम उस लीला को नहीं देख पा रहे हैं। तो कब पाएंगे आप वो दिव्य दृष्टि और कब होगी आपकी आत्मा जागृत, जरा ये तो विचार कीजिए। जब महाप्रलय में इस पांच तत्व वाले त्रिगुणात्मक जगत का ही लय हो जाएगा तो उस समय अखंड ब्रज एवं रासलीला का अस्तित्व कहां पर होगा? बात तो सही है, ये बात तो मैंने आज तक नहीं सोची। चतुर्दास, क्या हम जान सकते हैं कि आपने ये अद्भुत ज्ञान कहां से पाया है? नाथा भाई जोशी के घर एक दिव्य महात्मा पधारे हैं, उनके मुखारविंद से ही मैंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है। यदि ऐसा है तो मुझे भी वहां ले चलो ताकि मैं भी उनकी कृपा की छत्र छाया में दिव्य ज्ञान पा सकूं। ठीक है, मैं शीघ्र ही उनसे आज्ञा लेकर आपको उनसे मिलवा दूंगा। प्रणाम। 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 प्राणनाथ जी। प्रणाम। विराजी।
प्रणाम। ग्यारह वर्ष बावन दिन तक ब्रजमंडल में श्री कृष्ण जी के तन में विराजमान होकर परब्रह्म अक्षरातीत ने अनेक प्रकार की प्रेममयी लीलाएं की। तत्पश्चात बेहद मंडल में आनंदकारी योग माया की सहायता से नए दिव्य वृंदावन की रचना की। प्रणाम, ये योग माया क्या है? बेहद मंडल क्या है? ये दृश्यमान जगत, 14 लोक, 7 शून्य आदि नारायण, निराकार पर्यंत उत्पत्ति और लय को प्राप्त होने वाला संपूर्ण जगत हद का संसार कहलाता है। यहां काल माया है जो नाशवान है। इससे परे बेहद का ब्रह्मांड है। जहां अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण के स्वरूप चतुष्पाद विभूति हैं, वहां योग माया है जो अनादि अक्षर ब्रह्म की अनादि माया है। उससे भी परे दिव्य परम धाम है जो सच्चिदानंद परब्रह्म और उनकी आत्माओं का निज धाम है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, यदि आप स्वयं का एवं अपने कुटुंब का कल्याण चाहते हैं तो अक्षरातीत श्री राज जी का स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए, उन्हीं के चरणों में आपका परम कल्याण है। हे प्राणनाथ जी, आपके कृपा से मैं आज कृतार्थ हुआ। अखंड ब्रह्म ज्ञान की अमृत रस धारा का पान करके तृप्त हुआ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। इस क्षर जगत से परे स्थित अखंड ब्रज अखंड रास एवं इससे भी परे दिव्य परम धाम की ये रहस्यमय बातें आखिर प्राणनाथ जी को कैसे ज्ञात हुई, जबकि भागवत तो इतने वर्षों से हम सभी पढ़ते आ रहे हैं?
किंतु हमें तो कभी पता नहीं चला आखिर वे कौन हैं? उनके अंदर कौन सी दिव्य शक्ति विराजमान है? समय तो मालिक के पूजा पाठ का है। इस समय ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जिंदा दास कैसे हो? अरे भाई, इतने सवेरे सवेरे सेठ जी किस चिंता में लग गए हैं? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मालिक तो रात से यहीं टहल रहे हैं। ना जाने इन्हें कौन सी चिंता है। क्या ये रात भर से यहीं टहल रहे हैं? किंतु ऐसी कौन सी चिंता हो सकती है भाई, जिसने इन्हें रात भर सोने नहीं दिया? अब ये तो वे ही जाने या परमात्मा। मैं तो बस इतना जानता हूं कि प्राणनाथ जी की ज्ञान चर्चा से आने के बाद से मालिक यहां टहल रहे हैं। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता भाई। मालिक, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। हाँ पूछो जिंदादास। आप कई दिनों से प्राणनाथ जी के पास ज्ञान चर्चा सुनने जा रहे हैं, तो क्या आपको उनके वास्तविक स्वरूप की पहचान हुई कि वे कौन हैं? कहीं आप उनको केवल एक साधारण ज्ञानी महात्मा तो नहीं समझ बैठे हैं? कितने दुर्भाग्य की बात है कि मैं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी ज्ञान के क्षेत्र में बहुत पीछे हूं। मुझे ये सब नहीं पता जिंदादास जी। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि उनके चरणों में जाने से अपार शांति मिली है, किंतु लगता है आपको प्राणनाथ जी के विषय में कुछ विशेष पता है। यदि ऐसा है तो मुझे भी बताओ कि प्राणनाथ जी कौन है, मैं भी जानना चाहता हूं। वैसे तो आप स्वयं बड़े ज्ञानी हैं सेठ जी, किंतु फिर भी मैं मार्कंडे के दृष्टांत से आपको उनके स्वरूप की पहचान कराने का प्रयास करता हूं। एक बार की बात है, जब मार्कंडेय ऋषि एक नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, ऋषियों में श्रेष्ठ है मार्कंडेय। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ। आंखें खोलो।
हे नारायण भगवान, आपके चरणों में मेरा शत शत प्रणाम। आज आपके दर्शनों से मैं धन्य हो गया प्रभु। हम आपकी भक्ति एवं साधना से प्रसन्न हुए। भक्त मार्कंडेय, बोलो क्या वर चाहिए? हे नाथ, आज आपका मुझे दर्शन हुआ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। किंतु फिर भी हे प्रभु, जिस माया से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, उस माया को देखने की मेरे दिल में प्रबल इच्छा है। किंतु ये भी विनती है कि आप मुझे अपने चरणों से कभी अलग ना करें। ये कैसी इच्छा कर रहे हैं मार्कंडेय जी? ये माया देखने योग्य नहीं होती, इससे आप बहुत दुखी हो जाओगे, स्वयं को भूल जाओगे। हे भगवान, जब आपके चरणों में रहूंगा तो मुझे किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो मुझे माया से निकाल ही लेंगे प्रभु। ठीक है ऋषिवर, आपके इस हट के कारण हम आपकी ये इच्छा पूरी कर देते हैं। आप माया देखने के लिए तैयार हो जाइए। किंतु भगवान, मैंने तो आपका पूजन किया ही नहीं। आप एक पल रुकिए, मैं अभी चंदन घिसकर आपका पूजन करता हूं। इस प्रकार नारायण भगवान की माया से मोहित होकर मार्कंडेय जी स्वयं को एक स्त्री के रूप में नदी में बहते हुए देखने लगे। तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई?
तुम नदी में कैसे गिरी? कहीं तुम्हें किसी ने धकेल तो नहीं दिया? इसे आज से पहले यहाँ कभी भी देखा नहीं, न जाने कौन है और कहाँ से आई है। कुछ कहती क्यों नहीं? कौन हो तुम? तुम्हारा गांव कौन सा है? किस परिवार से हो? मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कौन हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा घर कहाँ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं पता? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई, किस परिवार या किस गांव की हूँ। मुझ पे भरोसा कीजिए। कहीं तुम किसी दुर्घटना का शिकार तो नहीं हुई हो? हो सकता है, लेकिन मुझे वो भी याद नहीं। ओ, तो फिर अब कहाँ जाओगी तुम? जहाँ मेरा भाग्य ले जाएगा। मुझे तो कोई ठाव ठिकाना भी नहीं पता। लगता है परमात्मा ने इसे मेरे लिए भेजा है। यदि ये मेरे साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाए तो मेरा भाग्य ही खुल जाए। अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करना पसंद करोगी? ये आदमी देखने में तो दयालु और सच्चा मालूम पड़ता है और मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, इसलिए इसे परमात्मा की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना ही उचित है।